भैया आप कैसे नहीं मानते संविधान खतरे में? बाबा साहब ने हम सभी को संविधान बना के दिया और हम सभी को आरक्षण दिया और देश के संपत्ति में सबसे पहला अधिकार हमको दिया। रेलवे बनाया, रेल में 15% हमारे एससी एसटी भाई को डायरेक्ट उसमें नौकरी मिलता है और उसको आज क्या किया जा रहा है, उसको प्राइवेट कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज अंबेडकर जयंती है और बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अंबेडकर जयंती जो है वो मनाई गई। इसी कड़ी में आज मुकेश सैनी पहुंचे कैमूर के भभुआ, जहां पर उन्होंने अंबेडकर जयंती जो है वो मनाई। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से मुकेश सैनी जो है वो अंबेडकर जयंती जो है वो मनाते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले वो पुष्पांजलि करते हैं बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को, उसके बाद उनका संबोधन होता है और संबोधन करते करते खूब हल्ला बोलते हैं बीजेपी पर, पीएम मोदी पर। वो कहते हैं कि पीएम का काम मंदिर बनाना नहीं है, ये समाज बनाने का काम है। आज संविधान खतरे में है। इसके अलावा आरक्षण को लेकर भी मुकेश सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो साजिश के तहत आरक्षण को ख़त्म जो है वो कर रही है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हल्ला जो है बोल जो है वो मुकेश सैनी ने आज बीजेपी पर किया है और सीधे हमला पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला है। ये जो भी देन है ये बाबा साहब का देन है और हम सभी को बाबा साहब के रास्ते पे चलना है। अभी एक साथी ने कहा कि मैं नहीं मानता हूं कि संविधान खतरे में है। भैया आप कैसे नहीं मानते संविधान खतरे में? बाबा साहब ने हम सभी को संविधान बना के दिया और हम सभी को आरक्षण दिया और देश के संपत्ति में सबसे पहला अधिकार हमको दिया। रेलवे बनाया, रेल में 15% हमारे एससी एसटी भाई को डायरेक्ट उसमें नौकरी मिलता है और उसको आज क्या किया जा रहा है, उसको प्राइवेट कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है। और जब प्राइवेट कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है तो आपका हक अधिकार छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा है? तो छीना जा रहा है तो आपका संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। आज सरकारी संस्थान पहले बनाया जाता था, आज क्या हो रहा, सरकारी संस्थान को बेचा जा रहा है। संविधान में क्या है, आपको 15% आरक्षण क्यों मिला? 15% आरक्षण इसलिए मिला कि आपके लोगों ने बहुत पीछे रह गया, उसको आगे लाने के लिए आपको जगह दिया गया कि आपके भी बोलने का और आपके भी सुनने का अधिकार लोग सुने, इसलिए आपको 15% आरक्षण दिया गया। लेकिन आज क्या हुआ, आज आर्थिक आधार पर आरक्षण हुआ। मैं मानता हूं अगर सरकार अगर संविधान में संशोधन करे कि अगर ये बात माने कि हमें गरीबी स्तर पे भी आरक्षण देना है तो ठीक है, आप दीजिए। लेकिन अगर सामान्य वर्ग के लोगों को 8 लाख कमाने वाले को आरक्षण दे रहे हैं तो क्या मेरा दलित भाई का बेटा या दलित परिवार 2 लाख 3 लाख कमाने वाला है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, स्पेशल आरक्षण लागू किया तो आपको उसको लिए नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं संविधान के साथ आपने खिलवाड़ किया। आज क्या हो रहा है, वर्षों से हमारे लोगों को, हमारे पूर्वज को पैरों तले ताप के रखा था। संविधान बाबा साहब ने बनाया कि वोट के अधिकार पे आप चुने जाएंगे, रानी के कोख से जन्म लिया हुआ बच्चा राजा नहीं बनेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, बनी हुई सरकार को गिरा देना, 50-50 करोड़ रुपए में विधायक को खरीद लेना, यानी कि जनता का वोट का अधिकार जो है उसको अपमान किया जा रहा है। अगर आपको इतना ही लगता है तो चुनाव में जाइए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आज क्या किया जा रहा है, मंदिर एक विधायक को, एक सांसद को, एक मुखिया को, एक मुख्यमंत्री को, एक प्रधानमंत्री को क्या काम है? संविधान में क्या काम हमको दिया है कि आप पावर में आने के बाद आपको काम करना है जनता गरीब के लिए, लेकिन क्या कर रहे हैं आज के माननीय प्रधानमंत्री जी, मंदिर बना रहे हैं। मंदिर तो समाज के लोगों का काम है बनाना, और मैं तो कहता हूं मंदिर बनाना है तो अपने दिल में बनाइए और आप हर गरीब का सम्मान कीजिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, आज हम लोगों को आपस में बंटवारा किया जा रहा है। सरकार हमें चुनाव के समय में, हम कहते हैं ना कि वोट खरीदने के लिए जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं जनता के साथ गलत कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं, आप 5 किलो चावल देके हमारा वोट को खरीद रहे हैं,
आज देश के गरीब को बता रहे हैं कि 5 किलो चावल ही विकास है। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा, इससे पहले महान महान नेता देश को चलाए हैं, चाहे नेहरू जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, उनको देखिए कि उन लोगों ने कैसे देश को चलाया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा जाता था कि विपक्ष आप इतना काम करने के बाद भी ये विपक्ष आपके उंगली उठाते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि ये मेरा विपक्ष नहीं है, ये मेरा तीसरी आंख है, जो मैं नहीं देख पाता हूँ वो दिखाते हैं, ये मेरा विपक्ष नहीं है, ये मेरी तीसरी आंख है। और आज का क्या है, आज विपक्ष आवाज ना उठा सके, वो अपने पैर पे खड़ा ना हो सके। आज मैं जीता जागता उदाहरण हूं, एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में घर परिवार के साथ मुझे रहना था, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया।